हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम सबके एक नए वीडियो में, जिसमें आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि बिहार बोर्ड में जब किसी विषय में आप फेल हो जाते हो या फिर किसी विषय में आपके नंबर कम आते हैं और आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो, यानी कि अपने कॉपी की दोबारा जांच करने के लिए अप्लाई करते हो, तो क्या बिहार बोर्ड आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर शीट यानी कि OMR शीट की भी दोबारा जाँच करती है? इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल एग्जाम सबको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको अपने एग्जाम से रिलेटेड हर जानकारी सटीकता के साथ। स्टूडेंट, से वीडियो बनाने का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप में से कई छात्रों ने हमसे सवाल किया था कि क्या स्क्रूटनी के दौरान बिहार बोर्ड OMR सीट की भी दोबारा जांच करती है या नहीं। कुछ छात्रों का कहना था कि एग्जामिनेशन में 25 से 30 क्वेश्चंस का आंसर उन्होंने टिक किया, घर पर आकर उन्होंने अपने आंसर मिलाए और वे यही पाते हैं कि उनके आंसर सही हैं, लेकिन रिजल्ट की घोषणा के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि उनके ऑब्जेक्टिव में भी मार्क्स काटे गए हैं। जब आप किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन के आंसर लिखते हो, आंसर लिखने में गलती कर सकते हो, नंबर कट सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आप 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें आपको 10 नंबर मिलना निश्चित है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में स्टेप मार्किंग नहीं होता, या तो आपका आंसर सही है या फिर गलत है। इसीलिए जब उम्मीद के मुताबिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको नंबर नहीं आते, तब डाउट उत्पन्न होना लाजमी है। और इसीलिए वो जानना चाहते थे कि क्या स्क्रूटनी में भी OMR सीट की दोबारा जांच की जाती है या नहीं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि OMR सीट की जांच कोई एग्जामिनर नहीं बल्कि मशीन के द्वारा की जाती है। एग्जामिनर एक इंसान होता है, अगर वो आपके थ्योरी कॉपी की जांच कर रहा है वो गलती कर सकता है, लेकिन आपके OMR सीट की जांच जो कि मशीन के द्वारा की जाती है, मशीन गलती कर दे ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है। आप देश के किसी भी पॉपुलर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का एग्जाम्पल ले सकते हो, चाहे JEE मेन हो, नीट हो या फिर UPSC प्रीलिम्स, जहां की OMR सीट का प्रयोग होता है। आप कहीं पर भी ऐसा इंस्टेंस नहीं पाओगे जहां पर मशीन के द्वारा कॉपी चेक करने में गलती की गई हो। इसीलिए बिहार बोर्ड पर ये आरोप लगाना कि OMR सीट में आपके नंबर काटे गए हैं, ये बिल्कुल जायज नहीं है। बिहार बोर्ड भी आपके OMR सीट को मशीन के द्वारा ही जांचती है और पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड होती है, उसमें गलती होना पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप ऑब्जेक्टिव में जितने मार्क्स लाने की उम्मीद कर रहे थे उतने मार्क्स नहीं आए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि OMR सीट की बबलिंग करते हुए आपने गलत आंसर OMR सीट में भर दिए हों। कभी कभी OMR सीट भरते हुए जब आप एक गोला गलत भर देते हो और उस पर ध्यान नहीं देते, उसके बाद आपके सारे आंसर गलत होते जाते हैं। अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं कि क्या स्क्रूटनी के दौरान आपके OMR सीट की दोबारा जांच की जाती है। इस प्रश्न का सीधा जवाब है नहीं, स्क्रूटनी के दौरान आपके OMR सीट की दोबारा जांच नहीं की जाती है, क्योंकि OMR सीट की जांच में ह्यूमन इंटरफेरेंस होता ही नहीं है, सारी कॉपी मशीन के द्वारा जांची जाती है, इसीलिए स्क्रूटनी के समय भी इसे दोबारा नहीं जांचा जाता। हाँ, जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके थ्योरी कॉपी की दोबारा जांच की जाती है। स्क्रूटनी के दौरान आपके थ्योरी कॉपी की किस प्रकार दोबारा जांच की जाती है, इस पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप फेसबुक, ट्विटर या टेलीग्राम पर हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद है। आप नीचे कमेंट करके भी अपने सवाल हमसे पूछ सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई हम जल्द से जल्द करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।